दिस इज निकिता हावलकर एंड वेलकम बैक टू इंडियन रिएक्शन। गाइस आज हम लोग एक म्यूजिक वीडियो की रिएक्शन देने वाले हैं और जो बैंड है उसका नाम है लिंकिन पार्क। आप सबको पता होगा बिकॉज बहुत फेमस बैंड है और 18 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं उनके इस चैनल के ऊपर। और 24 अक्टूबर 2009 में एक्चुअली ये सॉन्ग रिलीज हुआ था। नाम है क्रावलिंग एंड मुझे इसकी रिक्वेस्ट भेजी है 2 वीक पहले भेजी थी एक्चुअली। मैं बहुत लेट हो गई इस चीज़ के लिए लेकिन कोई बात नहीं, आज ही रहते हैं। नो बी डो ओके एंड ये जो एक यू नो म्यूजिक वीडियो है, एक एल्बम है एक्चुअली और एल्बम में बहुत सारे सॉन्ग्स होते हैं और उसका फर्स्ट सॉन्ग जो है जो मुझे सजेस्ट किया गया है उनके द्वारा ही कि भाई पहले क्रावलिंग भी ले दो, तो ठीक है तो फर्स्ट म्यूजिक वीडियो क्रावलिंग आज रहते हैं इसके प्रोडक्शन। लेट्स बिगिन ओके। वेल दिस इज़ सो नाइस यार, आई मीन यू नो ये जो सॉन्ग है क्रावलिंग इट्स अमेजिंग सॉन्ग एक्चुअली। और जिस तरीके से उन लोगों ने रिप्रेजेंट किया इट्स वाव बिकॉज यू नो ये जो इस सॉन्ग का जो मैसेज था एंड जो लिरिक्स है इसके दे आर सो पावरफुल एक्चुअली। एंड इट्स जस्ट लाइक यू नो जब हम लोग बहुत ज़्यादा एंजीशियस फील करते हैं ज़िंदगी को लेकर, उस टाइप की फील्स थी एक्चुअली।
एंड एक टाइप का जो ना ऐसा होता है कभी कभी कि हम लोग ब्रीथलेसनेस फील करते हैं कि हम लोग सांस लेने लेकिन सांस नहीं ले पाते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ कोरोना बट यू नो ऐसा कभी होता है कि इतनी सारे ज़्यादा स्ट्रेस हो जाए ज़िंदगी में एंड वी कॉन्ट ब्रीथ, हम लोग जीना चाहते कि जी नहीं पाते, उस टाइप का जो फील होता है ना वो इस सॉन्ग की जो म्यूज़िक था उसमें ऐसा था। तो मतलब आई थिंक दिस इज़ सो नाइस, पावर ऑफ म्यूज़िक यू नो आई कैन से। आई मीन 2009 का सॉन्ग है एंड बहुत ही कमाल रिप्रेजेंट किया गया है। एंड यू नो 2009 में ऐसी सिचुएशन थी या नहीं पता नहीं, लेकिन अभी की जो सिचुएशन है, अभी जो 2021 चल रहा है, लोगों ने बहुत सारा मेंटली बहुत कुछ सहन किया है ऑब्वियसली। एंग्जाइटी उसमें फर्स्ट है एंड मुझे लगता है डिप्रेशन से भी ज़्यादा खतरनाक का कोई चीज़ है वो है एंग्जाइटी। एंड वो जो एंग्जाइटी की जो फीलिंग होती है ना वो इस सॉन्ग में मुझे देखने को मुझे मुझे फील हुआ एक्चुअली। इसका जो म्यूज़िक है बहुत ही कमाल था एक्चुअली। तो वो जो अंदर से जो फील होता है ना तो वो यहाँ पर मुझे फील हुआ कि हाँ भाई ये लोग जो हमें कहना चाहते जो फील करना चाहते थे वो यहाँ तक पहुँचा। सो दिस इज़ द ग्रेटनेस ऑफ देम कि उन लोगों ने इतना अच्छा गाया एंड जो वो लोग सॉन्ग के द्वारा माध्यम से जो कहना चाहते थे वो हम तक पहुँचा, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एक्चुअली। एंड लिंकिन पार्क अभी एक्टिव है नहीं पता नहीं बट दे आर ग्रेट यार। आई मीन मैंने इसके एल्बम के बहुत सारे सॉन्ग्स जो मुझे दिए हैं मैंने सुने एंड दे आर ग्रेट एक्चुअली। स्टेप बाय स्टेप ही जाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। सो ऑब्वियसली आई विल डू माई बेस्ट कि मैं ये सारे के सारे सॉन्ग्स जो उसकी वजह से मिल सकूँ बिकॉज दे आर नाइस। अगर आप लोग अभी 2009 के बैंड के लोग हैं ये लोग, तो अगर अभी लोग नहीं सुन रहे हैं एक्चुअली सुन रहे हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा व्यूज़ है इसके ऊपर। सो दिस इज़ नाइस बिकॉज बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट है ये लोग। एंड अगर ऐसे यू नो अभी ऐसे लोग हैं जो नहीं सुन रहे हैं तो उन्हें सुनने चाहिए बिकॉज ऐसे आर्टिस्ट बहुत कम है लाइक कोल्ड प्ले, लिंकिन पार्क, वन डायरेक्शन। सो आई थिंक दिस इज़ नाइस, आई लाइक इट। एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू थैंक्स नॉमिडो बिकॉज उसने मुझे ये रिक्वेस्ट भेजी कि भाई इसके ऊपर रिएक्शन दो एंड आई गेट टू नो दैट दिस बैंड एग्जिस्ट एक्चुअली। सो थैंक यू वेरी मच गाइज। एंड अगर आप लोगों के पास वैसे कोई रिक्वेस्ट है, कोई सॉन्ग है, कोई अभी आपकी कोई फेवरेट मूवी का ट्रेलर आ रहा है ऐसा कुछ भी, तो आप मुझे उसकी लिंक भेज सकते हो या फिर मुझे कॉमेंट्स में बता सकते हो कि कौन सी चीज़ है, तो फिर मैं उसके ऊपर रिएक्शन ज़रूर दूंगी। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग और बने रहिए इस चैनल के ऊपर और शेयर ज़रूर करना, लाइक कर लो, कॉमेंट कर लो। दिस इज़ हाउ यू कैन सपोर्ट मी। थैंक यू।